रोहित शेट्टी ने अपनी सुपरहिट कॉप सीरीज की अगली फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में चल रही है। हाल ही में लीड एक्ट्रेस करीना कपूर ने सेट से एक फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। अब अक्षय कुमार भी शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच चुके हैं। वो अपने हिस्से की शूटिंग 9 अक्टूबर से शुरू करेंगे। खास बात यह है कि रोहित शेट्टी इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को पहले शूट कर रहे हैं। फिल्म अगले साल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित ने इस क्लाइमेक्स सीक्वेंस के ऊपर भारी भरकम अमाउंट खर्च किया है। वो 25 करोड़ रुपए की लागत से इस एपिक क्लाइमेक्स को लार्ज स्केल पर हैदराबाद में शूट कर रहे हैं। इस क्लाइमेक्स सीन में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह तो अपने सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा के किरदार में होंगे। सुनने में आया है कि इन्हें टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो फिल्म में विलन के रोल में दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही इस क्लाइमेक्स सीन में करीना कपूर और दीपिका पादुकोण भी इन 5 मेल एक्ट्रेस को ज्वाइन करती नजर आ सकती हैं। करीना पहले से ही हैदराबाद में इसकी शूटिंग कर रही हैं। चर्चा है कि जल्द ही दीपिका भी टीम को ज्वाइन करेंगी। फिल्म के सेट एक एक्टर ने जानकारी शेयर करते हुए बताया कि रोहित शेट्टी अपने ग्रैंड क्लाइमेक्स के लिए पहचाने जाते हैं, पर इस बार वो जो क्लाइमेक्स शूट करने जा रहे हैं वो अब तक कभी किसी फिल्म में नहीं देखा गया है। इस क्लाइमेक्स सीन को बड़े लेवल पर फिल्म से अलग मानकर शूट किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रोहित हमेशा की तरह इस फिल्म की सेट पर भी अपने स्टार्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस सीक्वेंस में कई खतरनाक स्टंट और एक्शन सीन किए जाने हैं। इसकी एक झलक हाल ही में करीना कपूर ने एक फोटो शेयर करते हुए दी थी। सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के तीनों हीरो एक साथ नजर आएंगे। उनके कॉप यूनिवर्स में फिल्म सिंघम, सिंघम रिटर्न, सूर्यवंशी और सिम्बा शामिल है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म सिंघम थी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसमें अजय देवगन ने पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम का रोल प्ले किया था। इसकी सीक्वल फिल्म सिंघम रिटर्न 2014 में रिलीज हुई थी। अब इसका तीसरा पार्ट 2024 में 15 अगस्त पर रिलीज हो सकता है। इस कॉप यूनिवर्स की दूसरी फ्रेंचाइजी सिम्बा थी, जिसमें रणवीर सिंह ने इंस्पेक्टर संग्राम भले राव का रोल प्ले किया था। वहीं 2021 में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ने डीसीपी वीर सूर्यवंशी का रोल निभाया था। सिंघम अगेन से पहले सूर्यवंशी में भी रोहित के कॉप यूनिवर्स के तीनों ऑफिसर साथ नजर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।